यूएसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी का भव्य शुभारंभ सोमवार को संगीत में सुंदरकांड और कन्या पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के संयोजक कन्हैयालाल प्रधान ने बताया कि नीरज विहार हरनाथपुरा निवारो रोड स्थित यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर दोपहर 1 बजे संगीत में सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। पाठ के समापन के बाद कन्या पूजन किया गया। कन्या पूजन में रामरिशपाल महाराज त्रिवेणी धाम, श्री कृष्ण दान महाराज रामकुटिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वार्ड 43 के पार्षद अर्चना शर्मा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में अति महत्व है। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही सुविचारों का निर्माण होता है। यह स्पोर्ट्स एकेडमी युवाओं को स्वस्थ बनाने के साथ ही देश को उच्च कोटि के खिलाड़ी भी प्रदान करेगी। वहीं इस अवसर पर अर्चना शर्मा ने अपना जन्मदिन भी मनाया। सर्वप्रथम तो मैं द यूएसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आज खेल ग्राउंड का जो उद्घाटन हुआ उस अवसर पे श्रीमती अर्चना शर्मा जो चेयरमैन भी है नगर निगम में, कन्हैयालाल जी प्रधान साहब और इनको पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं दूंगा कि काफ़ी वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र में मेहनत करके और एक एक बच्चे को जोड़कर आज 700 बच्चों का इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं। साथ ही यहाँ इस क्षेत्र के समाजसेवी भी हैं। क्षेत्र को डेवलप कराने का, समस्याओं के निदान के लिए, लोगों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत समय से लोगों की इच्छा थी कि यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी हो और उस इच्छा को देखते हुए आपने यहाँ पर बहुत सुंदर एक स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की है, जहाँ खेल कूद के साथ में सामान भी उपलब्ध होंगे और यहाँ से खेल कूद के माध्यम से बड़े मैचेस तक बच्चों को पहुँचाने का और यहाँ से ओलंपिक तक जाए ऐसी योजना आप लोग बना रहे हैं। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात 2014 से हम देख ही रहे हैं खेलों के प्रति कितना रुझान आया है, खेलों के प्रति बच्चों में कितनी मजबूती के साथ में वो मेहनत करने लगे हैं और उसके बाद में खेलों के माध्यम से हमारे राष्ट्र में मेडल्स भी बरसात होने लगी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे क्षेत्र भी कहीं ना कहीं कहीं पीछे था तो अब अग्रणी होगा और यहाँ के माध्यम से ये बच्चे उत्तर तरक्की करेंगे और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम और गौरव बढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी की ही कमी थी। विद्यालय में तो हम एजुकेशन देते ही देते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, लेकिन स्पोर्ट्स में जब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए, तो आज यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी का ये उद्घाटन महाराज जी बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारे राम जी महाराज, तिरुवाणे वाले महाराज जी, इनके आशीर्वाद से हुआ है। तो इसमें बास्केटबॉल, स्केटिंग और टेबल टेनिस और बॉक्स क्रिकेट जैसी सुविधाएं अभी हमने उपलब्ध करवाई है और इसके साथ ही साथ हम आगे टूर्नामेंटों में इन बच्चों को भेजेंगे और इसके लिए हमारे जो कोचेज हैं वो भी हमने बहुत अच्छे हायर किए हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे और आगे मैचों तक उसको लेके जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो ओलंपिक तक जाएं, राष्ट्रीय लेवल से ओलंपिक तक जाएं यहाँ से बच्चे और राजस्थान का नाम रोशन करें, यही मेरी इन बच्चों को शुभकामनाएं हैं। यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी के इस शुभ अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमको संतों का सानिध्य मिला और संतों के सानिध्य में नवरात्र में 101 कन्याओं के पूजन के साथ एक कार्यक्रम अर्चना शर्मा के जन्मदिन का प्रारंभ हुआ। हम बहुत आभारी हैं संतों के और आभारी इसलिए भी हैं कि संतों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, संतों के आशीर्वाद से संस्कारित शिक्षा यूएसएस स्कूल में दे रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि जिस प्रकार हम संस्कारित शिक्षा दे रहे हैं वैसे हमारे स्कूल के बच्चे और आसपास के अन्य जो बच्चे हैं वो खेलों में भी यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी में जो यहाँ के सर्टिफाइड कोच हैं उनसे सीख के आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय भारत।